हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटिव नारी में। फ्रेंड, आज हम कुरुस का डिज़ाइन सीखेंगे। ये डिज़ाइन आप जेंट्स स्वेटर में बनाइएगा, कार्डिगन में बनाइए, बच्चों के स्वेटर में बनाइएगा, ऑल प्रोजेक्ट में ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, हम एक कलर ऊन में बना रहे हैं। आप चाहे तो इसको दो कलर, तीन कलर, जितना भी बचे खुचे ऊन है उसमें भी बना सकते हैं, एक कलर में भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत आसान है, तो आप जितना जल्दी चाहिए उतना जल्दी ये बना सकते हैं स्वेटर को। तो चलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा क्रूस का और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगेगा, तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इस तरह से पहले यहाँ पे गांठ लगा ले रहे हैं। तो इसके लिए हम चेन जो ले रहे हैं यहाँ, तो 2 के मल्टीपल में आप चेन लीजिएगा तो आपका डिज़ाइन एकदम सही बनेगा। तो यहाँ पर 2 बन गया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 के मल्टीपल में हम यहाँ चेन लिए। हम 10 फन चेन में आपको डिजाइन बनाकर दिखाएंगे। तो 10 यहाँ हो गया। अब यहाँ से हम इसके आगे लेंगे 1, 2, 3 तीन चेन लिए। अब हम एक फंदा इस तरह से लेंगे और इसमें से यहाँ से बनाएंगे हम एक एक चेन देके यहाँ पर। फिर इसके ऊपर फंदा लेंगे, फिर इसके बगल वाला में देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे बनाए हैं। अब इसके बगल वाला में हम फिर एक चेन बनाएंगे यहाँ पे। इसी तरह हम ये पूरा बना लेंगे। ये सीधा साइड से हम बना लिए हैं, अब उल्टा ये सीधा साइड से बना लिए हैं, अब उल्टा साइड से बना रहे। तो उल्टा साइड से देखिए यहाँ पे हम पहले चेन लेंगे, 3 चेन ले लिए हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इस तरह से फंदा लेंगे और यहाँ से इस होल से फिर देखिए यहाँ से जैसे हम सीधा साइड से बनाए हैं सेम हम उल्टा साइड से बनाएंगे। Thank you.
ये उल्टा साइड से हम बना लिए हैं। अब देखिए सीधा साइड है, तो सीधा साइड से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से डिजाइन को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हम बनाएंगे एक फंदा लेंगे, एक चेन बनाए, दूसरा चेन बनाए, तीन चेन बना लिए हैं। अब इसमें हम फंदा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ देखिए एक फंदा ए चेन है जो है, ए चेन छोड़कर ये दूसरा में यहाँ पे इसमें हम इस तरह से एक बार इस तरह से निकालेंगे, फिर एक बार इस तरह से ऊपर से फंदा लेंगे, दूसरा हम इसी होल से फिर दो बार निकालेंगे। अब हम इसको यहाँ से एक कर लेंगे, दूसरा फंदा में हम इस पूरा को एक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हम इस तरह से एक फंदा लेंगे। अब देखिए ये सीधा साइड से बनाया है, अब एक फंदा जो है ये इसमें हम उल्टा साइड से बनाएंगे। तो इस तरह से फंदा लेकर ऐसे आएंगे और यहाँ से इसमें दो बार नहीं निकालना है, उल्टा साइड से, उल्टा साइड से एक बार में एक चेन बनाना है इस तरह से। फिर हम एक बार फंदा लेंगे इसमें से। अब देखिए यहाँ दूसरा वाला में हम उल्टा साइड से लिए हैं, ये तीसरा फंदा जो है यहाँ देखिए एक फंदा हम उल्टा साइड से बनाएंगे, एक फंदा हम सीधा साइड से बनाएंगे। तो सीधा साइड से जो बनाएंगे ना उसमें हम डबल फंदा इस तरह से दो बार इस तरह से लेंगे, उसके बाद हम देखिए यहाँ चार जो है एक दो तीन चार, इस चार को हम एक बना देंगे, उसके बाद में हम दो का एक बनाएंगे। अब देखिए ये उल्टा साइड से बनेगा, उल्टा साइड से दो बार नहीं निकालना है, एक बार निकालना है। थोड़ा सा मोटा ऊन होगा तो आप कुरुस का नंबर जितना कम रखिएगा उतना मोटा रहेगा, जितना ज़्यादा में लीजिएगा नंबर उतना पतला रहता है। तो ये चार या पांच पर बनाइएगा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये मोटा ऊन पर बनाइएगा। तो अगर ऊन मीडियम साइज़ में टू प्लाई का ऊन पर बनाइएगा तो उसके लिए सात या आठ नंबर का कुरुस लीजिएगा। अब यहाँ पर लास्ट में एक फंदा है, ये देखिए इसको हम यहाँ से एक फंदा बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए बनने के बाद ये डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। ये आप एक कलर में बनाइएगा, देखिए इस कलर में हम बनाए हैं, हम सफ़ेद में बनाकर आपको नहीं दिखाए हैं कि सफ़ेद में बनाएंगे तो कहीं अच्छा नहीं आएगा उसमें, लेकिन सफ़ेद से बनाइएगा तो इस तरह से बनेगा। इस डिज़ाइन में आप जेंट्स स्वेटर बनाइएगा या कार्डिगन बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है कुरुस का डिज़ाइन। और इसमें और भी कलर लगाना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हम दो तीन कलर में बनाए हुए हैं, इस तरह से लगेगा।
ये बच्चे खुचे उनके बच्चों के लिए बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड आपको जो बनाना होगा जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसा बनाइएगा, और ये डिजाइन और मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और करना नहीं भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि ये डिज़ाइन कुरुस का आपको कैसा लगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।